Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of MAHCET and MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning away for MBA CET 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss about compound interest shortcuts part 2. एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था कंपाउंड इंटरेस्ट में, जहां मैंने कुछ शॉर्टकट डिस्कस किए थे। काफी लोगों को अच्छा लगा वाला वीडियो, यह वाला वीडियो और अच्छा होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे मैं और आपको नए नए शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आपका टाइम बहुत कम लगेगा। एंड दिस वीडियो इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन MBA CET, अगर आप आगे एग्जाम देने वाले हो लाइक NMAT, SNAP, CMAT, कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। जरूर से वीडियो को लाइक कर दो गाइस, लाइक करने से वीडियो ऊपर आएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी, बिकॉज काफी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर दो। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट काम कर लेना आप लोग, ये हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर से ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है, सीटी से रिलेटेड एंड क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टा पेज को भी फॉलो करो, इंस्टा पेज में हम लोग वोकैबुलरी वगैरह पोस्ट करते हैं, वोकैबुलरी करंट अफेयर्स, एंड अभी हमने लास्ट कल ही क्यू एन ए सेशन लिया था, ठीक है, इंस्टा पेज पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो सीटी का क्यू एन ए सेशन था, तो आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, स्टोरीज में जाकर देखना, ठीक है, तो फॉलो करो जरूर से इसको, दोनों के लिंक्स मैं नीचे दे दूंगा। गाइस ये पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल आपको निकालना है, आपको रेट दिया गया 10%, टाइम 2 ईयर्स है, सीआई आपको निकालना है, अमाउंट आपको दिया है 2420। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बेसिक नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे, जनरली आप लोग क्या लगाओगे, ए स्क्वायर टू पी वन प्लस आर वाई 100 का स्क्वायर लगाओगे, आप अमाउंट रख दोगे यहाँ पे, रेट रख दोगे, आपका पी निकल जाएगा, फिर आपका पी निकल आएगा तो आप ए माइनस पी करके सीआई निकाल लोगे, तो ये तो सब लोग लगाएंगे, बट हम लोग कुछ शॉर्टकट लगाएंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन तभी भी हैं, तो आप रेट को देखो, रेट आपका 10% है, तो आपका पहला स्टेप होगा आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, तो आपको जो रेट दिया गया है 10%, इसको आप लिख सकते हो 1/10। बस एक क्वेश्चन समझ लोगे, आप सब क्वेश्चन कर लोगे, तो पहला स्टेप है आपको रेट को फ्रैक्शन में बदलना है 1/10। अब इसको रीड कैसे करना है, इसको ऐसे करो, अगर प्रिंसिपल हमारा 10 है तो हमको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 1 रुपीज का, ठीक है, प्रिंसिपल 10 है, आपको 1 रुपी का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको टोटल अमाउंट कितना है 11 रुपीज। तो मतलब ऐसे करके लिखो, प्रिंसिपल आपका 10 रुपीज है, ठीक है, सॉरी आपको मिल रहा है 11 रुपीज, ठीक है। दूसरे केस में क्योंकि दो बार होगा, टाइम 2 ईयर्स है, फिर हम यही करेंगे 10 रुपीज में 11, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, 100 and 121। अब ये क्या हुआ, प्रिंसिपल जब 100 है तो आपको अमाउंट मिला 121, ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट, तो आपको जो डिफरेंस आया 21 का, ये आपका आया सीआई, ठीक है, तो ये आपका पी है, ये आपका ए है और ये आपका सीआई है, आपको ये तीन चीज मिलेंगी, आपको इन तीन चीज में से कोई एक चीज आपको दी रहेगी, उससे आपको रेट करना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, आपको अमाउंट दिया गया है, तो आपको ऐसे करना है, अगर 121 की वैल्यू 2420 है तो 1 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी 2420/120, ये आ गया 20। बस आपने एक बार 1 की वैल्यू निकाल दी, फिर आपको कुछ भी निकालना, मल्टीप्लाई करना है, प्रिंसिपल निकालना है आपको, तो 100 × 20 प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 2000, ठीक है, आपको सीआई निकालना है, सीआई आपका आ जाएगा 21 × 20, ठीक है। तो गाइस इस केस में क्या था, इस केस में अमाउंट दिया था, हमने अमाउंट से रिलेट किया है, अगले केस में हो सकता है आपको सीआई दिया हो यहाँ पे, तो आपको सीआई से रिलेट करना है, आपको बस 1 की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में, वो आपका एक तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, फिर आपको कुछ भी निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, सीआई प्रिंसिपल निकालना हो, जो भी आपको बचा हुआ है निकालने को, वो आप निकालोगे मल्टीप्लाई करके। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, रेट को आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में 1/10, इसको ऐसे रीड करो, 10 रुपीज प्रिंसिपल, आपको 1 रुपी का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट इसको क्या होता है, पी प्लस आई होता है ना, तो टोटल अमाउंट हुआ 10+1 11, मतलब जब 10 रुपये प्रिंसिपल है, यू विल बी गेटिंग 11 रुपीज टोटल। ऐसे ही आपको दो बार करना है, बिकॉज टाइम 2 ईयर्स है, अगर टाइम 3 ईयर्स होता तो आपको 3 बार करते हैं काम, ठीक है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों को, 10 × 10 11 × 11, तो आपका 100 पे 121 मिला, मतलब प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट 121 है, तो आपको जो डिफरेंस आया 21, ये क्या है, 2 साल का सीआई है आपका इसके टर्म्स में, ठीक है, तो आपने बस अमाउंट से रिलेट कर लिया, मल्टीप्लाई फैक्टर आपको 1 पे 20 आ गया, अब 20 को मल्टीप्लाई कर दो पी पे, तो आपको पी मिल जाएगा एक्चुअल, 20 मल्टीप्लाई कर दो सीआई पे, तो सीआई मिल जाएगा एक्चुअल, आप इससे करोगे आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो गाइस ये क्वेश्चन हो गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, टाइम 2 ईयर्स है, रेट 11.11 है और यहाँ पे 2 रेट्स हैं, अगर 2 रेट्स हो तो आप फॉर्मूला कैसे लगाते हो, जनरली ए इक्वल टू बी 1 + R1/100 × 1 + R2/100, ये लगाते हैं आप, पर ये सब नहीं लगाना गाइस, ठीक है, आप ऐसे करो, रेट आपका 11.11 है, इसको हम क्या ले सकते हैं 1/9, गाइस आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रेट R2 है 12.5 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, तो उसको ऐसे ही रीड करो, 9 रुपए पे 1 रुपए इंटरेस्ट, 8 रुपए पे 1 रुपए इंटरेस्ट, मतलब पी एंड ए ऐसे लिखो,
तो पहले वाले केस के लिए 9 रुपीज आपको देंगे 10 रुपीज, ठीक है, एंड 8 रुपीज आपको देंगे 9 रुपीज, मल्टीप्लाई कर लो, ये आपको हो गया 72, ये आपको हो गया 90। अब गाइस इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा करना है, ऐसे मत कर देना 9 8 जा 9 10 जा, ये आपका 4 एंड 5, ये आपका एक्चुअल आया, प्रिंसिपल 4 रुपीज है और आपका अमाउंट 5 रुपीज है, डिफरेंस कितना है 1, ये आपका सीआई है, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पे क्या दिया, देखो हमने बोला था आपको पी ए एन सी आई को एक वैल्यू आपको दी रही, यहाँ पे आपको सी आई दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू दी गई ऑलरेडी 480, ठीक है, 1 के लिए 480 है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4 into 480, सीधे आपका आ गया 1920। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 480 into 5 into 480 एंड 4 into 480, अमाउंट आपका हो गया 2400, समझ रहे हो। तो आपके दोनों हो गए 4 into 480 आपका हो गया प्रिंसिपल एंड 480 into 5 आपका हो गया 2400 अमाउंट हो गया, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे टाइम आपका 2 इयर्स है, रेट आपका 6.66% है, सीआई आपका सेकंड ईयर का दिया है 16, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट मजा आ जाएगा करने में वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो आपका रेट कितना दिया गया है 6.66%, मतलब क्या ले सकते हो उसको 1/15, मतलब 15 रुपीज पे गेटिंग 1 रुपी इंटरेस्ट, मतलब क्या हो गया प्रिंसिपल एंड अमाउंट करो 15 पे 16, दो बार क्यों लिखा, बिकॉज टाइम आपको दिया गया 2 ईयर्स, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 256, मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, मतलब प्रिंसिपल जब 225 है तो आपको मिल रहा है 256 अमाउंट, ठीक है। आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, माइनस करो 31 रुपीज, ये आपका आ गया सीआई। बट गाइस ये सीआई जो है 2 साल का आया है, अब आप देखोगे प्रिंसिपल अमाउंट एंड सीआई आपको कुछ नहीं दिया यहाँ पे, तब कैसे रिलेट करोगे, आपको क्या दिया सीआई फॉर सेकंड ईयर, तो सीआई फॉर सेकंड ईयर निकालो, सीआई फॉर सेकंड ईयर कैसे निकलेगा, 2 साल का सीआई मतलब फर्स्ट ईयर माइनस फर्स्ट ईयर का सीआई, और फर्स्ट ईयर का सीआई होता है फर्स्ट ईयर के एसआई के बराबर, तो फर्स्ट ईयर का आपको एसआई निकालना है, वो कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल आपको दिया गया, रेट आपको दिया, निकाल लो एसआई, क्या आएगा 225 इंटू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है ना, आर बाय 100 क्या है 1/15, ठीक है, इंटू 1/15, मतलब हमको फर्स्ट ईयर का सीआई मिल गया और 2 साल का पूरा सीआई दिया, फर्स्ट ईयर का सीआई है आपके पास 2 साल का सीआई, तो आपको सेकंड ईयर का सीआई मिल जाएगा ना, 31 माइनस 15 से 16 आ गए, बस हमको मिल गया वो चीज, सेकंड ईयर का सीआई इनके टर्म्स में ये हमको मिल गया 16। अब रिलेट कर दो 16 पे 16, मतलब 1 पे 1 सेम चीज हो गई, 1 पे 1 है तो 225 into 1 करोगे तब भी आपको 225 आएगा, तो आपका प्रिंसिपल वही है 225 और अमाउंट भी आपका वही है 256 और सीआई तो आपका 31 ही है, क्योंकि सीआई फिर आपका 31 into 1 करोगे वही चीज, सब कुछ जैसे आपका आया था सब कुछ सेम है, क्यों ऐसा सेम है, क्योंकि आपका जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो 1 ही आया है, 1 पे 1, मतलब सब कुछ बराबर है, ठीक है, पहले केस में अलग आया था मल्टीप्लाई, तो ये डिपेंड मेरे ख्याल से मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको फॉर्मुलेस, वो फॉर्मुले ऐसे है गाइस कि आपका इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन तुरंत निकल आएंगे, और आपको 2 फॉर्मुले जो बताऊंगा मैं, एसआई का एक फॉर्मुला बताऊंगा और एक फॉर्मुला बताऊंगा आपको मैं, सीआई के 2 फॉर्मुले बताऊंगा, ठीक है, सीआई के 2 फॉर्मुले आपको बुक में कहीं नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो आपको फाइनेंस में पढ़ाए जाते हैं, पर आपको बहुत ईजी हो जाएगी चीज आपके लिए। अब देखो बात करें, 11 क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है, पहले देख लेते हैं, तो सीआई एसआई की बात करें, एसआई का जो फॉर्मूला होता है गाइस इंस्टॉलमेंट का, आई इक्वल टू होता है 100A अपॉन 100T प्लस RT इंटू टी माइनस 1/2, ऐसे ये आपका होता है इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला। आपको अगर अमाउंट दिया है, आपका अमाउंट है, अमाउंट मतलब आगे की चीज, ठीक है, तो रख दो यहाँ पे टी आपका टाइम पीरियड है कितने साल, कभी लोग कंफ्यूज आते हैं कि 4 इंस्टॉलमेंट बोला गया, 4 इंस्टॉलमेंट मतलब 4 ईयर्स, अगर सब कुछ ईयर्स में चल रहा है, ऐसे रेट हो गया आपका आर। अब रेट कैसे रखना है, रेट को 4 बट मान लो 25% रेट है तो 25 ही रखोगे, 25/100 मत कर देना, 25 रखोगे वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी हम 100 ऊपर दे चुके हैं, ठीक है, आर मतलब जो आपको दिया गया आर वो ही है, ठीक है, अपॉन 100 मत करना, टी आपका टाइम है, फिर आपका टाइम है, तो 100 ए अपॉन 100 टी प्लस ब्रैकेट में RT इंटू टी माइनस 1/2, इससे आपका कोई भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन ऐसा ही कहो निकल जाएगा, आपको ईच इंस्टॉलमेंट निकालनी है। अगर आपका मंथली इंस्टॉलमेंट बोलता है तो आर रेट जो आपका होगा उसको 12 से डिवाइड कर देना, क्योंकि आपका ईयरली रेट दिया रहता है कई बार, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ऐसा ही हो गया। सीआई आपका क्या हो गया, सीआई के देखो सीआई के 2 फॉर्मुलेज हैं, एक आपका रिलेशन दिखाएगा अमाउंट एंड इंस्टॉलमेंट में, एक आपका दिखाएगा रिलेशन प्रिंसिपल एंड इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। अगर बात करें अमाउंट की, टोटल अमाउंट मतलब 2 या 3 साल का जो अमाउंट होता है, ए इक्वल टू होता है आई बाई के, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस के टू आर एन माइनस 1, ये आप रट लो,
आई आपका होता है इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट जो है के आपका होता है आर बाई 100, मतलब अगर आपका 25% दिया रेट, ठीक है, तो 1/4 लिख सकते हो या 0.25 रख सकते हो, ठीक है, एंड आपका टाइम पीरियड हो गया, आपका अमाउंट से आपको तुरंत निकलेगा 1 मिनट में आंसर। सबसे ज्यादा जो यूज हो सकता है वो है ये प्रिंसिपल वाला केस, ठीक है, मतलब ये आपका ए नहीं है, हाँ ठीक है सही है, ये आपका प्रिंसिपल वाला केस क्या है, पी इज इक्वल टू आपका आई बाई के है, ठीक है, 1 - 1 + k टू द पावर माइनस एन, मतलब पी इज इक्वल टू आई बाई के 1 - 1 + k टू पावर माइनस एन, पावर इसकी है के, यहाँ पे वही है आर बाई 100, एन आपकी टाइम पीरियड है, आई आपका इंस्टॉलमेंट है और पी आपका प्रिंसिपल है। तो अब कई बार ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है कि आपने 12,000-10,000 रुपए लिए, आपको उसको रिटर्न करना है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कंपाउंडेड एनुअली एट रेट 10%, तो आप पी रखोगे 10,000, आई निकालना है आपको, एक्स मान लो, आई मान लो, के आपका 10%, मतलब क्या हो गया 1/10, फिर आपका ये, तो जब भी गाइस ये फॉर्मूले लगाओ तो आप के को फ्रैक्शन में रखो ज्यादा अच्छा है, मतलब अगर आपको 25% दिया है आर, ठीक है, तो 25/100 हो जाएगा ना के, तो उसका 1/4 रखो, ना कि 0.25, वरना आप कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। ये फॉर्मूले इतने अच्छे हैं कि जनरली ये फॉर्मूले आप फाइनेंस में पढ़ोगे, जब आपको एक सब्जेक्ट होता है उसमें करोगे, वहां पे आपको 30-40 साल का निकालना होता है कि 40 साल बाद क्या हो जाएगा, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला जरूरी होता है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको 4 साल ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, तो आपका इनको 4 ही रखना खाली, तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले आप ट्राई करना, जब भी इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन करो आपको देखना निकल आएगा आपका आंसर, सही से लगाना बट, ठीक है, स्टिल कोई डाउट आता है मुझे पिंग कर लेना, ठीक है। अब ये गाइस क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअल पेमेंट ऑफ विच विल डिस्चार्ज डेट ऑफ 848। यहाँ पे बस एक कैच है, लोग इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका अमाउंट दिया गया है, ठीक है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं और लोग करते हैं, तो आपको ये अमाउंट दिया गया टोटल, क्योंकि डिस्चार्ज डेट जो आपका लोन हुआ, ड्यू जो हुआ 4 साल वो, ठीक है, तो इसको आप अमाउंट मानना, थोड़ा सा लैंग्वेज ट्वीक करिएगा बट अमाउंट ही होता है, ठीक है, तब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, अमाउंट आपका 848 हो गया, टाइम कितना हो गया 4 ईयर्स, आर आपका 4 हो गया, 4 हो गया, आप निकालोगे आपको तुरंत आंसर आ जाएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर 200 आता है, ठीक है, तो ये चीज है, तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत क्वेश्चन देखे हमने इस तरह के, ठीक है, तो गाइस मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको कुछ, ठीक है, बाकी गाइस अगर इस तरह के शॉर्टकट्स वगैरह चाहिए और कुछ, देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, सीटी अगर निकालना जेबी जाना है तो बिना शॉर्टकट का तो नहीं निकल पाएगा, पक्का बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोर चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक है, काफी शॉर्टकट्स वीडियो बन रहे हैं, अगर स्ट्रक्चर में कुछ करना है, प्रैक्टिस वगैरह करनी है ढंग से, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ, तो हम लोग का आप क्रैश कोर्स चेक कर सकते हो, और इफ यू लुकिंग फॉर रेलेवेंट मॉक्स, सीईटी के मॉक्स हम लोग सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट हैं, बिल्कुल एक्जैक्टली पैटर्न जैसा सीईटी का आता है, कोई इरेलेवेंट चीज नहीं दी हम लोगों ने, हम लोगों ने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है बट रेलेवेंसी के साथ, ठीक है, और हम लोगों ने सारे मॉक्स का लेवल अलग अलग रखा था कि आपको मिक्स वैरायटी मिले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सीईटी ईजी आ सकता है बट उसमें आपको स्पीड चाहिए होगी, तो उस टाइम जिसकी स्पीड अच्छी होगी वो आगे जाएगा, सीडी टफ आ सकता है ऑब्वियसली बात है, ठीक है, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है सेफ स्कोर्स, तो समझ जाओ उससे आपकी क्या होगा, ठीक है, तो मॉडरेट मॉडरेट एडवांस, इसमें आपको शायद हाँ 7 मॉक्स एडवांस है, 5 मॉक्स मॉडरेट है, और सबका लेवल अच्छा है बिल्कुल, ठीक है, काफी लोग दे रहे हैं ऑलरेडी, 12 फुल लेंथ मॉक्स की कॉस्ट 799 है, ठीक है, फ्री मॉक भी लाइव आप दे सकते हो, और हम लोग का सबसे अच्छा पैक है वो है क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स में यू गेट एवरीथिंग, 12 फुल लेंथ मॉक्स, 10 at least 10 शॉर्टकट वीडियोस, ठीक है, एंड कॉन्स एंड एलआर, 120+ यूनिक कॉन्सेप्ट वीडियोस आपको मिलते हैं, जिससे आप अपना बेसिक्स क्लियर कर सकते हो, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वगैरह के डिटेल में हमें पूरे शॉर्ट हैंडआउट्स हैं आपके पास, जो थ्योरी हैंडआउट प्रैक्टिस शीट सब कुछ है, क्वांट्स का एलआर वीए का काफी कंटेंट है, 50 टॉपिक टेस्ट है, टॉपिक टेस्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, एंड 6 डेज प्रैक्टिस सेशन और टेलीग्राम चलता रहेगा सीईटी तक, 3 डेज व्हाट्सएप पे, 3 डेज टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे क्वांट्स होता है, टेलीग्राम पे आपका एलआर वीए होता है, इसकी प्राइस उन्होंने गाइस बहुत कम रखी है, इसकी कॉस्ट कम से कम 3,000 रुपए होनी चाहिए थी, बिकॉज वी नो कि कोविड चल रहा है, काफी लोग ऑलरेडी इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, लगा चुके हैं सॉरी, तो इस वजह से हमने कम रखी है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो सस्ता वो बेकार होता है, ठीक है, काफी लोग दे चुके हैं एंड 115 लोग ऑलरेडी एनरोल्ड है, अगर वाकई करना चाहते बिकॉज हम लोग काफी कुछ प्लान करने वाले हैं, हम लोगों ने प्लान किया कि JBIMS की ड्रीम टीम बनाएंगे, वो कैसे होगी, इसका बेसिस क्या होगा, वो आपके मॉक स्कोर जो मल्टीपल इंस्टीट्यूट से मॉक स्कोर है उसका एवरेज लेके कुछ देख के करेंगे, और फिर उन लोगों को हम लोग एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे जो लोग वाकई जेबी वाले हैं, पर थोड़े दिन बात करेंगे अभी, ठीक है, तो लगे रहो गाइस अच्छे से करते हो ताकि आप वो ड्रीम टीम में आ जाओ, और ड्रीम टीम में हम लोग काफी काम करने वाले हैं, ठीक है, ये हम लोग के रिजल्ट्स हैं, यही बच्चे हम लोग के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तैयारी सीईटी की, तो इन लोग का अगर सीमैट में 99.9 आया है तो सीटी में भी आराम से आएगा, बहुत टाइम मिल गया इन लोगों को, ठीक है, अब देख सकते हो हम लोग रिजल्ट सीमैट के, सीमैट में उन्होंने किया था, सीईटी में और अच्छा कर रहे हैं, बाकी आप खुद देख सकते हो हम लोग के रिव्यूज वगैरह, आपको आइडिया लग जाएगा मार्क्स की क्वालिटी का, ठीक है, चलो गाइस सो दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो, बाकी कोई अगर कैट की तैयारी करना चाह रहा है देन दे कैन चेक आउट अवर कैट प्लैटिनम कोर्स, लाइव क्लासेस होती है बेसिक से एडवांस, हम लोग कैट में शॉर्टकट्स वगैरह मैं इसलिए बना रहा हूँ कि सीईटी की बात है, वरना मैं शॉर्टकट में ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ,
इट इज मोर अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी. काफी लोग इंस्टॉलमेंट का फॉर्मुला रट लेते हैं, समझ में आता है कि हो गया एक्चुअल में, वो आपको आना चाहिए. ठीक है, तो वो सब बताया मैंने. ठीक है, दो चीजें हैं, तो अच्छे सब चीजें होती है लाइव क्लासेस में, पूरा आपका रिकॉर्डिंग लोड होती है, प्रैक्टिस हैंडआउट्स, थ्योरी हैंडआउट सब कुछ रहता है. तो कोई अगर कैट की क्लासेस देख रहे हैं, चेकआउट. सबसे अच्छी बात क्या है, बैच साइज बहुत कम का है, 30-40 बच्चों का, और सारी फैकल्टीज बेस्ट है, चाहे वो क्वांट्स की हो, चाहे एलआरडीए की, चाहे वीआरसी की. ठीक है, बैच साइज 40 स्टूडेंट्स का होता है. ठीक है, हम लोग का लास्ट बैच खत्म होने वाला है, तो आप देख सकते हो. चलो गाइस, दिस वाज अवर वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.